नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है टॉप 20 खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरू करते हैं टॉप 20 खबरों का सिलसिला। अमरावती में राहुल गांधी बोले, महाराष्ट्र की जनता से उनकी सरकार चोरी की गई। तीन देशों की यात्रा पर रवाना हुए पीएम मोदी, करेंगे नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना का दौरा। अमित शाह ने किया ऐलान, बोले सरायकेला खां चौक का नाम बदला तो हेमंत सोरेन के पेट में दर्द हो रहा। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के छोटे भाई राममूर्ति नायडू अस्पताल में हुए भर्ती। जयपुर की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची। मुंबई पुलिस को ट्रक में 80 करोड़ रुपए की 8,476 किलो चांदी मिली। दिल्ली के नंद नगरी में लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवक का हुआ कत्ल, 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। पड़ोसी देश की हरकतों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी बोले, आतंकी अब अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं। सूरतगढ़ में चक 3 आरजेएम में मिला हिरण का शव। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल की फिसली जुबान, बोले हमारा प्रयास है कि देश में गरीबों की संख्या बढ़े, प्रवास कार्यक्रम के तहत पहुंचे थे झज्जर। झारखंड में खड़गे बोले, हमारे बनाए कॉलेज में पढ़कर पूछते हैं क्या किया, कांग्रेस नहीं होती तो मोदी जी चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री नहीं बनते। लखीमपुर में किसान की जमीन पर हुआ अवैध कब्जा, जिसमें 1 आईएएस 3 पीसीएस को निलंबित किया। टीबीटी मोड पर परीक्षा कराने की तैयारी में आरएसएसबी। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, राज्य में 3.52 लाख युवा हैं बेरोजगार। सक्षमता परीक्षा 2.0 का रिजल्ट जारी, पहली से 10वीं क्लास में 80% से ज्यादा टीचर्स पास, वहीं 11वीं 12वीं का रिजल्ट सिर्फ 71.4% रहा। दानापुर में आर्मी भर्ती के दौरान हुआ हंगामा, जहां एंट्री नहीं मिलने पर भड़के अभ्यर्थी। बांका में 5 लोगों ने खाया जहर, पति पत्नी बेटे की हुई मौत। वाराणसी में गुटखा कारोबारी ने किया सुसाइड, लाइसेंसी पिस्टल से खुद को मारी गोली। भूषण कुमार ने अजय देवगन और रोहित शेट्टी पर लगाया गंभीर आरोप, बोले भूल भुलैया 3 के साथ नाइंसाफी हुई। भारत ने साउथ अफ्रीका में बनाया हाईएस्ट T20 स्कोर, संजू साल में 3 शतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज। टॉप 20 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ आप जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।